अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई। इसके लिए हमने 1 kg फ़िश के पीसेस कट करके धो के रख लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, टी टीस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया इसमें। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 teaspoon। नमक ऐड कर देंगे इसमें, 2 teaspoon नमक हमने ऐड कर दिया। और अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, 2 teaspoon फुल डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। और ये हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, 2 teaspoon। और ये डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 teaspoon और ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon। सारी चीज़ों को फ़िश में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करने से कांटे हमारे हाथों में नहीं चुभेंगे। डायरेक्ट अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो आपके हाथों में कांटे चुभ जाएंगे फ़िश के। ये देखिए, इस तरह से हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि अच्छे से और भी मसाला लग जाए सारे पीसेस में। देखिए, ऑयल ऐड करके फिर से हमने इसको हिलाया था अच्छे से। अब ये सारी मच्छी में मसाले पूरी तरह से लग गए। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए हाफ़ एन आवर के लिए डीप फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेट करके रखेंगे इसको। अब हाफ़ एन आवर के बाद हम एक कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लेंगे और फ़िश के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये 4 tablespoon ऑयल हमने ऐड कर दिया कढ़ाई में। तेल गरम होने के बाद एक एक करके हम फ़िश के पीसेस ऐड कर देंगे ऑयल में और इसे अच्छे से रेड होने तक तल लेंगे। अब फ्राई करने के लिए हम छोड़ देंगे इसको। थोड़ी देर तक हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। अभी देखिए, 5 to 7 minutes के बाद एक साइड से हमारी फ़िश रेडी हो गई है। इसका कलर चेंज हो गया और ये थोड़ा क्रिस्पी भी हो गई है। अब हम इसको टर्न करके फिर से फ्राई करेंगे और 10 minutes के लिए स्लो आंच पर हम इसको पकाएंगे फिर से। इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। टेन मिनट्स तक इसको हम पकाएंगे, तलेंगे मच्छी को और ये बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अभी ये जो फ़िश 2 sides से भी अच्छे से फ्राई हो गई है, एकदम क्रिस्पी हो गई है। हम अब इसे थोड़े से ऑनियन रिंग्स और लेमन के साथ इसको सर्व करेंगे। आप इसे सादा चावल और दाल के साथ खा सकते, बहुत ही टेस्टी दिखती है आपको, और या फिर ऐसे ही आप खा सकते। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।